नमस्कार दोस्तों, आस्था स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएसएससी मेंस के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जैसे कि इसका तैयारी कैसे करें, इसके सिलेबस के बारे में कैसे कम समय में तैयारी करें। दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि यह मेंस जो है कितना मार्क्स का और इसमें कितने पेपर पूछे जाते हैं। तो इसमें कुल दो पेपर पूछे जाते हैं, जिसमें से एक हिंदी और दूसरा जो होता है साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का दूसरा पेपर होता है। फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से व्याकरण जितने भी चैप्टर्स आते हैं, सब पर्यायवाची शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इसमें मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 30 मार्क्स से कम लाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे और फिर आपको सेकेंड पेपर के लिए चाहे कितना ही मार्क्स लाएं, इसमें आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ये तो फर्स्ट पेपर की बात हो गई। सेकेंड पेपर में आपको दोस्तों 150 मार्क्स का जनरल स्टडी, जेंडर एबिलिटी और मैथ साइंस, ये तीनों चैप्टर से कुल 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इसमें यदि आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो इसके लिए एक नंबर कटेगा और एक क्वेश्चन आप सही करते हैं इसके लिए 4 नंबर दिए जाते हैं। दोस्तों, अब इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सा बुक पढ़ें और कौन कौन बुक इससे बेटर होगा तैयारी कम समय में तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले हम जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस में दोस्तों अभी हमको कम समय है बचा है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेटर यही होगा कि हम जो भी लुसेंट है बुक, उसी को जो पढ़ा है चैप्टर, उसी को बार बार पढ़ाई करें। जैसे कि आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस में। उसके बाद संविधान से, और संविधान के अलावा आपको जो भी विविध क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। इसके अलावा जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो जनरल साइंस में दोस्तों आपको लुसेंट का ही जनरल साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। और उसमें भी जो लास्ट में विविध दिया हुआ, उसको अच्छी तरह से याद करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बार बार पढ़ाई करेंगे, लिखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन मिस ना हो। ये तो साइंस की बात हो गई। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में दोस्तों आपको अजय चौहान का बुक जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो आप दोस्तों अजय चौहान का रीजनिंग का बुक पढ़ें। इसके अलावा आप कोई भी प्रीवियस सेट जो पीछे के वर्षों में पूछा गया, उसमें आप कोई भी एक सेट प्रत्येक दिन बनाएं, और इससे आपको क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगा और साधारण जो भी क्वेश्चन होगा और वो छूटेगा नहीं। और इसमें जो है जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो आपको लुसेंट से ही तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें 5 नंबर का जो करंट अफेयर पूछा जाता है, करंट अफेयर के लिए भी आप तैयारी करें। करंट अफेयर के लिए आपको जो मासिक SPD का करंट अफेयर आता है, उसको आप प्रिफ्रेंस ज़्यादा दें, और उसको मंथली 15 दिन पे वो आता है, वो उसको आप लेकर पढ़ते रहें। इसके अलावा आपको बिहार से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बिहार से जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको इम्तियाज अहमद का बुक सबसे बेस्ट माना गया है, तो उसको आप लेकर पढ़ें। तो इसके ये तो हो गया आपको सारे बुक के बारे में। अब जो है आपको ये एग्ज़ाम BSSC मेंस का एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में ले लिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है इसी मई महीने में हो जाता, पर हुआ कि ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण ये इसमें काफ़ी विलम्ब हो गया है।
और ये एग्ज़ाम काफ़ी थोड़ा देर से होगा, तो आप लोग को तैयारी करने का इसमें कुछ मौका भी मिल गया है, इसलिए आप इसको ज़्यादा इसको समय दें इस पर और बेहतर तरीके से तैयारी करें। तो दोस्तों, हम इसी बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। हम और जो भी बिहार SSC से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होगा, हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। और हम आशा करते हैं कि आप सभी दोस्तों को इस जानकारी को शेयर करेंगे, पहुँचाएँगे। धन्यवाद।